सत्कार योग सत्संग जीओ सेव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन हजूरी विच बैठ के आप जी इन्हां दरगाही घड़ियां दा आनंद लै रहे हो। सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान करो, नाल अपनी असीस बख्शो ता जो कीर्तन द्वारा आप संगतां दी सेवा कर सकीए। आओ सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ए जो आप जी इस वेले इत्थे जुड़े बैठे हो, की पता अज गुरु कितना क मेहरबान है, कितना क मेरा दा मीह वरसा रहे है। इनी दुनिया वसदी है पर इत्थे ओहो ही बैठे ने जिन्हां ते गुरु नानक साहब दी मेर दी नजर है। आखो सतनाम श्री गुरुआं दे गुरपुरब मनाउणे, गुरमत समागम करवाउणे, ए भागां वालियां नूं नसीब हुंदे। ए कोई पिछले जन्म दे चंगे कर्म हुंदे ने जो ओ नेक कर्म सानू गुरु को लेके आउंदे ने। अनाउंसमेंटां ते कईयां ने सुनियां, इश्तिहार भी कईयां ने पढ़े, पर इत्थे कौन आए? इत्थे ओ आए ने जिहड़े गुरु नानक साहब नूं चंगे लगे ने। आखो सतनाम श्री गुरु की कृपा। सत संगत जिस वेले आपां गुरु दे कोल आने आं, ते गुरु दे कोल भी उदों आने आं जदों गुरु आप कृपा कर दे। उहदी कृपा तो बगैर असीं उहदे कोल आ भी नहीं सकदे। बड़े वड्डियां भागां वाले हो जो दीन दुनिया दे मालक गरीब निवाज सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, उन्हां दीआं खुशियां लैण वास्ते तुसीं आए हो। आओ प्यारे हो, सारे मिल के कीर्तन करिए, कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। Yeah।
जाए सुने।
संगत बैठी है ओनी आवाज नहीं आ रही। किसे कोलों कुछ मंगना होवे ना ते कई बारी उदे कोल चल के जाना पैंदे ते आवाज भी मारनी पैंदी है। गुरु कोलों कुछ मंगने ते गुरु कोल भी आना पवेगा। तुसी कहो के आए ते हैगे आ, कई बारी शरीर ते आया हुंदा पर मन नहीं हुंदा। जिदे कोलों कुछ मंगना है ओनू पुकारना ते पैंदा है ना। पुकारो फिर पुकार दे क्यों नहीं सत संगत खुल के जपो ए पुकारी है। किसे नु कुछ चाहिदे किसे नु कुछ चाहिदे जो चाहिदे मंगो सतगुर कोलों। तो आओ एक बारी दास बोलणगे एक बारी सारी संगत उच्ची आवाज विच कृपा करो। कोई भी रसना वांझी ना रह जाए।
सत्कार योग सत्संग जीओ बड़े बड़िया भागा वाले हो जो दूरों नेड़े चल के बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे पावन दरबार दिया हाजरियां भर रहे हो सत संगत असी बेनती करिए जिस वेले आपां बेनती करदे आं गुरु झोलियां भरदे ते जिस वेले खुशी लै के गुरु नूं भुल जांदे आं फिर दुख शुरू हुंदा है ते जदों फिर गुरु कोल आने आ गुरु फिर माफ कर देंदे उदा सुभा ही ऐसे आखो सतनाम श्री गोइंदवाल साहब गुरु अमरदास जी महाराज ने ये जेड़ा शहर वसाया बड़ी बड़ी दूरों संगतां गुरु दे दर्शना वास्ते आंदियां ने जिवें आप जी सारे आए हो संगतां ने वारियां बन लईयां इन्हां विच कुछ पेटावां लेके आंदे ने कुछ अरदासां करन आंदे ने कोई शुकराना करन आंदे कोई कुछ मंगण आंदे अज इन्हां संगतां दे विच एक गंगू नाम दा सिख भी आया मत्था टेकिया सतगुरां दे चरणां विच बेनती करदे महाराज दिल्ली विच मेरी दुकान है इन्ने गाक सी इन्ने नौकर चाकर इन्ना मेरा काम सी दुनिया दा कोई ऐसा सुख नहीं सी जेड़ा मेरे कोल ना होवे आखो सतनाम श्री पर ए दाता दिना विच ही एहो जिहा भाणा वरते है मैनू एहो जिहा घाटा पै गया कि सारे नौकर चाकर जवाब दे गए ते दुकान ते भी कोई गाक चढ़न वास्ते तैयार नहीं महाराज गुरु नानक दे घर दी शोभा सुनिए मेरे ते इन्नी को कृपा कर दियो कि मेरे घर दा प्रसादा चलदा रवे धन गुरु अमरदास महाराज रहमत दे घर विच आए ते कह लगे गंगू सेठ ये गुरु नानक दा दरबार है इत्थे दातां दी कोई कमी नहीं तू श्रद्धा ते प्यार नाल चल के आए जा अपना कारोबार दोबारा शुरू कर पर एक गल दा ख्याल रखी धन दा दसवंद भी कढ़ना है ते स्वासां दा दसवंद भी कढ़ना है जिथे एने वही खाते लावेगा उथे एक खाता गुरु नानक दे नाम दा जरूर लावे महाराज मेरा काम एना चलेगा मैं वही खाते लावांगा सुन के यकीन नहीं आंदा दादा जे मेरा काम एना चलेगा ते गुरु नानक दा खाता मैं सब तो पहला लावांगा आखो सतनाम श्री चला गया जाके अपनी दुकान खोली आज होर कल होर दिनों दिन दाते दिया बख्शिशां हुंदियां गईयां इधर सतगुरां दे दरबार विच एक सिख आया कह लगा महाराज मेरी बच्ची दा व्याह है पातशाह तुहानू पता ही है कि बच्चियां दे व्याह ते बहुत खर्चा आंदे व्याह मैं रख बैठा पल्ले एक पैसा नहीं आप जी कृपा करो कुछ पैसे मैनू दे दियो मैं बाद विच मोड़ देवांगा गुरु अमरदास महाराज नू ध्यान आया इस सिख नू कहन लगे इंज कर दिल्ली विच एक सेठ रहिंदे गंगू किसे कोलों भी पुछ लई ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਾਂਦਾ ਗੰਗੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਗਾਹਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਅੱਗੋਂ ਗੰਗੂ ਸੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੱਕੋ ਵਈ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ
संत महापुरुष बचन करिया करदे सन, इह दातां पक्कियां नहीं हुंदियां, आंदियां वी देर नहीं लगदी ते जांदियां वी देर नहीं लगदी। बड़ा दुख होया, इह सिख खाली हत्थ वापस मुड़ आया। जदों गोइंदवाल साहब आया ते अगे गुरु दरबार लगा होया सी, तां गुरु अमरदास जी महाराज सिंघासन ते विराजमान सन। नूरी नूर चेहरा जिवें करोड़ा सूरज चमकदे होण, इतना नूर है गुरु अमरदास जी महाराज दे चेहरे ते। इह आ के संगत विच बह गया। महाराज ने जदों देखिया भी इत्थे उही सिख है, पर चेहरा उदास, अखां दे विच हंजू ने। दीवान दी समाप्ति होई, उठ के खलो गया। महाराज पुछण लगे, क्यों भी हो गया तेरा काम? कहन लगा, नहीं महाराज, फिर तू क्यों घबरांदा है? हो जाएगा, असा कोलो कर देने। नहीं मेरे दातिया, दुख इस गल दा नहीं कि मैनू पैसे नहीं मिले, दुख ते इस गल दा है जिस बंदे उत्ते तुसी रहमतां दा मीह वरसा दिता, ओ कहंदे मैं गुरु नानक नूं जानदा ही नहीं। जिदा घर तुसी सुखां नाल भर दिता, ओ कहंदे मैं किसे गुरु नानक नूं नहीं जानदा। जदों महाराज जी ने ए सुनिया, ओए गंगू, जदों तू भुख नाल मरदा सी उदों तैनू गुरु नानक याद सी, ते हुण तू गुरु नानक नूं जानदा ही नहीं। चंगा बई, जे तू गुरु नानक नूं नहीं ना जानदा, ते फिर गुरु नानक भी तैनू नहीं जानदा। इस सिख दा ते कारज कर दिता। इधर गंगू सेठ वल घाटा पैना शुरू हो गया, लोकां दा कर्जा सिर ते चढ़ गया। जिन्हां दे पैसे देने ने रोज दुकान ते आके बोल को बोल बोलदे ने। एक दिन एहो जिहा आ गया, जिन्हां दा कर्जदार है उन्हां ने आके दुकान विचों भी कढ दिता। सारे सुखां वाला बंदा गलियां विच रुल गया। सारा दिन मेहनत मजदूरी कर दे, पर फिर भी शाम नू बच्चियां विच बह के रज के रोटी नहीं खांदा। सारा दिन मजदूरी कर दे, पर बरकतां नहीं पैंदियां। बरकतां कित्थों पैण? सत संगत कमाई थोड़ी भी होवे, जे गुरु दी रहमत होवे ते थोड़ी कमाई विचों भी ज्यादा गुजारा हो जांदा है। भाव सुख गुरु दी रहमत विच ने। इहदी घरवाली कहिंदी है, साईं जी क्यों रोंदे हो? गरीबी अमीरी आंदी रहिंदी है, ओ दिन नहीं रहे आ दिन भी नहीं रहने, दिल क्यों थोड़ा करदे हो? कहन लगा, ना भलीए, मैनूं सतगुरां ने कहा सी तू दसवंद कढ़ी, धन दा वी सवासां दा वी, मैं ते सतगुरां नूं ही भुला दित्ता, ताईं ओह अज गलियां विच रुलदे पए आ। कहन लगी, चलो आपां गोइंदवाल साहब जा के सतगुरां कोलों भुल्लां बख्शवा लैने आ। कहन लगा, ना भलीए, मैं किहड़ा मूंह लैके जावांगा, मैं नहीं जा सकदा। कहन लगी, तुसीं सतगुरां कोल ना जाणा, पहलां आपां हत्थीं सेवा करांगे, फिर भुल्लां बख्शवावांगे। गोइंदवाल साहब आ गया सारा परिवार, सतगुरां नूं दूरों ही नमस्कार कर लैंदे ने, कोल नहीं जांदे। सारा सारा दिन सारी सारी रात लंगर दे विच जूठे भांडे मांजदे ने। कई महीने मनो सेवा कीती। एक दिन धन गुरु अमरदास महाराज जदों लंगर विच आए ते की तकदे ने कि गंगू दी घरवाली संगत दे जूठे भांडे मांजदी पई है ते गंगू आटा पिया गुनदे। महाराज कहन लगे, गंगू, सतगुरां दी आवाज सुनी ते दोनों जने दौड़ के हाथ पिछा कीते होए, आटे ना लिबड़े होए, सतगुरां दे चरणा ते डिग पए ते रोण लग पए। गंगू कहन लगा, दातिया, तुसी ते मेरी झोली रहमतां नाल भर दित्ती सी, पर मेरे कोल सांभियां ना गईयां। सत संगत, दात मिल जानी बड़ी वड्डी गल है, पर दात नूं संभाल लैणा उस तों भी वड्डी गल है। महाराज, हुण ते मेरा गुनाह बख्श देओ, आप जी बख्शनहार हो। धन गुरु अमरदास महाराज कहन लगे, गंगू, अखां दे विच हंजू एवें नहीं आंदे, तेरी सेवा ने तेरे गुनाह धो दित्ते ने।
पर याद रख जिवें हुण फिर लोड़वंद बन गए हैं, पता नहीं कोई किन्ने क मुश्किल विच हुंदा है। काल खाए किच हथों दे, नानक राह पछाणे से। वगदे पानी चंगे रहंदे ने, पानी खलो जाए ते जाले लग जांदे ने। धन दौलत मिलदी है मुबारक है, पर दान पुन हुंदा रवे ते विकार कदी लागे नहीं आंदे, क्योंकि दान पुन विकारा नू दूर कर दे। जा सिखा हुण कोई लोड़वंद आवे ते उनू कदी इनकार ना करी। तैनू निरंकार याद रहेगा ते तेरे सुख भी बने रहणगे। एक गल याद रखना सत संगत, जिन्हां घरां विच्चों दसवंद निकलदा ए, जिन्हां जेबां विच्चों दसवंद निकलदा ए, ओह जेब फिर गुरु नानक साहिब दी हो जांदी ए। केवल हथ तुहाडा हुंदा ए, जिन्ने मर्जी कढ़ के खर्ची जाओ, उत्थे कदी कमी नहीं आंदी। आओ सारे मिलके जपो जी। Yeah.
गुरु के प्यारे ने श्रद्धावान संगतां ने कीर्तन दा सत्कार करदियां होयां जगाधरी यमुना नगर विखे चल रहे मीरी पीरी कीर्तन विद्यालय दियां उन्हां लोड़वंद बच्चियां वास्ते माया अरदास करवाई है। असी दोनों हाथ जोड़ के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन चरणा विखे अरदास करदे हां के सतगुरु आप सब दी किरत कमाई कारोबारां विच बरकत बख्शण, आण वाला समा तुहाडा सारयां दा सुखा भरिया आवे, मेरे सतगुरु तुहाडा ते तुहाडे बच्चियां दा भला करन। कल फिर इसे तरह ही आप संगतां दी कीर्तन द्वारा सेवा करांगे, 7:30 तो लैके 8:15 बजे तक आप संगतां दी कीर्तन द्वारा सेवा करांगे। आप जी ने जिथे आप जी सारे आए हो उत्थे होर संगतां नूं भी प्रेरणा दे के गुरु दरबार विच लैके आओ जी। आप संगतां दा एक बारी फिर तहे दिलों धन्नवाद करना चाहने आ जो तुसी इतनी वड्डी गिणती विच दूरों नेड़े हो चल के आए हो। महाराज आप सब संगतां दी हाजरी अपने दर ते प्रवान करे, तुहाडे बच्चियां नूं दाता अपने चरणा दा प्यार गुरसिखी जीवन बख्शण जी। आओ मिल के श्री आनंद साहिब जी दा पाठ करिए जी। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुर का पाया।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।